सुबह तड़के निर्वाचन कार्यालय में संदिग्ध परिस्थितियों में लगी भयंकर आग, चंद मिनट में ही आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। हड़कंप मच गया। निर्वाचन आयोग कार्यालय के भवन में बड़ी मात्रा में चुनाव से संबंधित रखे हैं अभिलेख। कार्यालय में आग लगने से वोटर लिस्ट समेत निर्वाचन संबंधी कागजात बड़ी मात्रा में जलने के आसार। अचानक सूचना मिली थी कि सुबह जहाँ EVM मशीनें रखी हुई थी निर्वाचन कार्यालय में, वहाँ आग लग गई और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को तत्काल बुलाया गया। मैं भी स्वयं आया और अधिकारी जो है आग से काबू पा लिया गया है। आग बुझा दी गई। लगभग 800 मशीनें हैं, CU BU अभी पैच वगैरह मिला करके सभी मशीनों की काउंटिंग बाहर निकाल कर की जा रही है और उसको चेक किया जा रहा है कितना। आग लगने का प्रमुख कारण क्या रहा ये तो अज्ञात है, तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। क्या सर कार्रवाई भी किसी भी सुनिश्चित बिल्कुल सुनिश्चित की जाएगी, विधिक कार्रवाई की जाएगी और जो भी दोषी होगा कार्रवाई की जाएगी। क्या मान गोदाम है इसमें मानक CCTV या कोई चीज़ ऐसी जाँच में आएगी क्या? DVR को सुरक्षित रखने के लिए कह दिया गया है और उससे पता चल पाएगा। DVR देखा जाएगा, CCTV कैमरे लगे नीचे लगे हैं। वो जो आपका गोदाम है उसके अंदर नियमानुसार बिजली की फिटिंग नहीं होनी चाहिए? बिजली की फिटिंग नहीं है, जैसा कि इलेक्शन का स्टाफ बता रहा है कि कोई बिजली की फिटिंग नहीं है। मोबाइल टार्च वगैरह जला करके काम किया जाता था, तो ये तो जांच का विषय है। शॉर्ट सर्किट की संभावना ही नहीं है? शॉर्ट सर्किट की संभावना कम है, नहीं है लगभग। इसका मतलब किसने लगाई है? हाँ, ये जांच का विषय है। चुनाव कार्यालय में आग लगी है, क्या जांच हुई है और आगे क्या कार्रवाई? आज हमारा जो इलेक्शन कार्यालय है उसके जो बेसमेंट है उसमें आग लग गई थी। उसमें हमारी 762 CU रखी हुई थी और 78 CU रखी हुई थी और 338 VVPAT रखे हुए थे। उसमें आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुई हैं आग के कारण। अब जो जिन कारणों से हुई है उसकी जांच कराई जा रही है। एक कमेटी बना दी गई है सिटी मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में, साथ में CFO रहेंगे और विद्युत सुरक्षा के अधिकारी रहेंगे और बाकी जो क्षतिग्रस्त हुई हैं उनका आकलन किया जा रहा है और जल्दी इसकी रिपोर्ट। आग लगने का क्या कारण रहा ये अभी अज्ञात है, हम इसकी जांच कराएंगे और एक कमेटी बना दी गई है इसकी रिपोर्ट। लापरवाही समझी जा सकती है सर इसमें? प्रथम दृष्टया तो लग रहा है। क्या शॉर्ट सर्किट की कोई गुंजाइश है सर? अब विद्युत सुरक्षा वाले आपको रिपोर्ट दे रहे हैं, उसकी जानकारी कर देते हैं। सर ये मशीन कौन सी थी और यहाँ क्यों रखी? ये स्पेयर मशीन जो हमारी FLC हो गई थी वो अलग बिल्डिंग है, उसमें वो सुरक्षित है। ये जो बच गई थी जो स्पेयर थी उनको रखा गया। FLC के द्वारा जो कुछ रिजेक्टेड थी या जो स्पेयर थी जो ठीक भी थी, खराब नहीं कह सकते उनको, स्पेयर मशीन है, अतिरिक्त मशीन है। कार्रवाई तय की जाएगी सर? निश्चित रूप से। ठीक सर, थैंक यू।